बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्स ऑफ फैशन। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत हैवी वर्क सूट्स के आइडियाज़ लेकर आई हूँ। ये वो सूट्स हैं जो आप बरी में भी रख सकते हैं, जहेज के कपड़ों में भी रख सकते हैं, क्योंकि जब नई नई शादी होती है तो दूल्हे शुरू शुरू के दिनों में जो कपड़े पहनती हैं ये उनके लिए बहुत सूटेबल हैं। इसके अलावा भाई की या बहन की शादी में ये कपड़े बहनें बनवा सकती हैं। बहुत खूबसूरत आइडियाज़ हैं, बहुत लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं, जिसमें आपको कुछ वेलवेट के ड्रेसेस के भी आइडियाज़ मिलेंगे, इसमें जामा वर्क के और शिफोन जॉर्जेट के भी ड्रेसेस के आइडियाज़ मिलेंगे जिन पे काम हुआ हुआ है। इसके अलावा आपको इसमें थ्री पीस डिज़ाइनिंग की आइडियाज़ मिलेंगे, मतलब डिज़ाइनर सूट्स हैं और थ्री पीस आपको कंप्लीट डिज़ाइन मिलेगा कि आप दुपट्टा किस डिज़ाइन से बनवा सकते हैं, शर्ट की डिज़ाइनिंग क्या करवा सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं, ट्राउज़र या शलवार आप किस तरह बनवा सकते हैं। बहुत खूबसूरत वीडियो है, अगर कोई डिज़ाइन पसंद आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप वो अपने लिए बनवा सकें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मोस्ट वेलकम, बेल बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को स्किप ना करिएगा, एंड तक देखिएगा। इसमें आपको ज़रूर कोई ना कोई डिज़ाइन अच्छा लगेगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगा। इसमें कुछ सूट्स आपको गोटे के काम के भी मिलेंगे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग है, प्लाजो और ट्राउजर्स के भी डिफरेंट डिज़ाइंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको ज्वेलरी के आइडियाज़ मिलेंगे, हेयर स्टाइलिंग के आइडियाज़ मिलेंगे। बहुत खूबसूरत वीडियो है, मुझे आप इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ਲੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਵੀਟੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਗਈ।